हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला में बीते एक सप्ताह से मानसून अपना रौद्र रूप दिखा रहा है, जिसकी वजह से कांगड़ा को अब तक 60 करोड़ का नुकसान आंका गया है, जिसमें सबसे ज्यादा धर्मशाला और शाहपुर इलाके को नुकसान पहुंचा है। शाहपुर के धारकंडी में एक वीडियो आजकल वायरल हुआ है, जो कि देखने वालों के दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर कर रहा है। वीडियो में एक साथ सैकड़ों लोग एक नाले के ऊपर हजूम उमड़ पड़ा है और नाले में बाढ़ आई है। बाढ़ जैसे इन हालातों में भी लोग इस नाले को क्रॉस करने में आमदा हैं, और कई नौजवान लोगों सहित, जिसमें बुजुर्ग और बच्चे तथा महिलाएं शामिल हैं, उन्हें नाले क्रॉस करवा रहे हैं। पड़ताल करने पर यह वीडियो शाहपुर के धारकंडी के तहत आने वाली कनौल और सल्ली पंचायत का सामने आया है, जहां बीते सोमवार को ये घटना घटी है। ये जगह चंद्रेला तथा तलारू के पास की है, जिसमें बीचों बीच बहने वाले इस नाले में बाढ़ आ गई थी। दरअसल यहाँ सैकड़ों लोग एक साथ इसलिए इस नाले पर पहुंचे थे क्योंकि गर्मी के सीजन में ये तमाम लोग झारखंडी की ऊंची पहाड़ियों में अपने मवेशियों के साथ गुजर बसर करते हैं, जबकि सर्दियों में वापस कनौल और सल्ली पंचायत आ जाते हैं। मगर इस बार बरसात के रौद्र रूप को देखते हुए इन्हें जल्द ही वापस आना पड़ा।